डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ इनसाइडर पेज 148 पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम करेंगे। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। 6 लीटर 436 मिलीलीटर, इसको डेसिमल का यूज करके लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले इस टेबल को रीड करना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.001 लीटर लिखना पड़ेगा। जैसे 1 ml है तो 0.001 लीटर हो जाएगा इसमें। ऐसे ही 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर, और 1 लीटर में 0.001 किलोलीटर होते हैं। अब इसमें हमारे पास 6 लीटर 436 मिलीलीटर, और इसको हमने डेसिमल का यूज करके लीटर में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, जो लीटर है, जब लीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये तो रहेगा डेसिमल से पहले, और ये जाएगा डेसिमल के बाद। नेक्स्ट है 7 लीटर 20 मिलीलीटर, और कन्वर्ट किस में करना, लीटर में। तो ये 7 है जो लीटर है, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो 7 तो रहेगा डेसिमल से पहले, और 20 जाएगा डेसिमल के बाद। लेकिन इसको 020 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने जरूरी है जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, और 20 को 3 डिजिट में लिखेंगे तो इसके आगे 0 लगाएंगे जब ये 20 रहेगा। नेक्स्ट है 5 लीटर 6 मिलीलीटर, इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो 5 लीटर है तो डेसिमल से पहले रहेगा, और 6 जाएगा डेसिमल के बाद, लेकिन थर्ड नंबर पे 006 ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है 3 किलोलीटर 347 लीटर, इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोलीटर में। तो जो 3 है ये तो रहेगा डेसिमल से पहले, और 347 ये जाएगा डेसिमल के बाद, लेकिन इसको बोलेंगे अलग अलग 347। नेक्स्ट है 3 किलोलीटर 6 लीटर, कन्वर्ट करना है किलोलीटर में। तो 3 किलोलीटर है ये रहेगा डेसिमल से पहले, और 6 जाएगा डेसिमल के बाद, लेकिन थर्ड नंबर पे। जैसे इसमें देखो 3 डिजिट होने जरूरी है, तो 006 ऐसे लिखेंगे इसको। 7 किलोलीटर 80 लीटर, इसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो किलोलीटर है तो रहेगा डेसिमल से पहले, और 80 जाएगा डेसिमल के बाद, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है इसको, 080। ये फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द यूनिट्स बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट। ए पार्ट 3467 लीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोलीटर में। अब जब लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता है, देखो ये लीटर है, ये किलोलीटर है, तो इसमें कैसे कन्वर्ट होते हैं। 1 लीटर का हो गया 0.001 किलोलीटर। इसमें क्या है कि जब लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल का यूज करके, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। अब इसमें 4 डिजिट हैं, तो इसमें क्या होगा, 3 डिजिट तो डेसिमल के बाद हो जाएंगे, और 1 डिजिट डेसिमल से पहले रह जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3.467। नेक्स्ट है 5.580 किलोलीटर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर में। अब देखो 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर, और जब हम ये डेसिमल का यूज करके किलोलीटर लिखते हैं तो इसमें जो डेसिमल से पहले होता है वो तो किलोलीटर है, और ये है लीटर। अब इसमें 5 तो है किलोलीटर, और 580 है लीटर, जैसा कि हमने फिफ्थ सम में किया था ऐसे। तो 5 किलोलीटर के लीटर बनाएंगे तो 5000 हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोलीटर में 1000 होते हैं, तो 5 किलोलीटर में 5000 हो जाएंगे। 5000 ये हो गए, और 580 ये हो गए, तो टोटल लीटर कितने हो जाएंगे, 5580 लीटर, इसमें डेसिमल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है
4078 लीटर, इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद थ्री डिजिट। अब इसमें फोर डिजिट है तो वन डिजिट तो रह जाएगा डेसिमल से पहले, और ये थ्री डिजिट डेसिमल के बाद, इसको लिखेंगे 4.078 किलोलीटर। अब देखो इसमें क्या है, ये फोर तो है किलोलीटर और ये है लीटर। नेक्स्ट है 9006 लीटर, इसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी फोर डिजिट है, वन डिजिट रहेगा डेसिमल से पहले और थ्री डिजिट जाएंगे डेसिमल के बाद, 9.006 किलोलीटर। नेक्स्ट है 0.070 किलोलीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या होता है, जो डेसिमल से पहले होता है वो तो किलोलीटर होता है, और डेसिमल के बाद होता है वो लीटर होता है, और लीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, मीन्स 0 किलोलीटर है इसमें और 70 लीटर है, तो हमने 70 लीटर लिख देना है केवल यहाँ, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट ही लीटर में करना है इसको। नेक्स्ट है 0.008 किलोलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें डेसिमल से पहले तो किलोलीटर है जो कि जीरो है, और ये है लीटर, कितने है लीटर, ये 8। 008 को क्या रीड करेंगे, 8। नेक्स्ट है 5090 मिलीलीटर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, लीटर में। तो देखो जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिलीलीटर में होते हैं 0.001 लीटर, मींस डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाएंगे जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें है 4 डिजिट, तो 1 डिजिट रह जाएगा पहले और 3 डिजिट हो जाएंगे बाद में, 090। नेक्स्ट है 2008 मिलीलीटर, इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना है, 4 डिजिट है, 1 डिजिट डेसिमल से पहले और 3 डिजिट डेसिमल के बाद। नेक्स्ट है 6.020 लीटर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीलीटर में। अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और जब ऐसे डेसिमल लगा के लीटर लिखा हुआ हो तो डेसिमल से पहले है जो वो लीटर है और डेसिमल के बाद जो है वो मिलीलीटर होते हैं, जैसा कि हमने फिफ्थ सम में किया था। तो 6 लीटर में 6000 मिलीलीटर हो गए, और ये 20 मिलीलीटर है ही, तो इसको हम लिखेंगे 6020 मिलीलीटर, इसमें डेसिमल नहीं आएगा। 0.040 लीटर, कन्वर्ट किस में करना है, मिलीलीटर में। अब इसमें देखो डेसिमल से पहले तो लीटर है और ये है मिलीलीटर, अब ये तो जीरो हो गया, तो जीरो को कोई लिखने का फायदा नहीं, ये कितना रीड होगा, 40, तो ये हो गए 40 मिलीलीटर। 8 मिलीलीटर, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो 1 मिलीलीटर में 0.001, तो 8 में 0.008, और 90 मिलीलीटर का लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.090। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब भी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, और 90 को जब 3 डिजिट में लिखोगे तो इसके आगे जीरो लगाओगे, जैसे 90 के आगे जीरो लगा दिया तो इसको 90 रीड करेंगे, और 90 के पीछे अगर जीरो लगा दिया तो 900 हो जाएगा, जो कि गलत है, ये 90 है ये 900 है, इसलिए आगे जीरो लगानी पड़ती है। और स्टूडेंट्स ये अपना सिक्स्थ सम कंप्लीट हो गया।